नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। ब्रिटेन की शुरुआत इस फटाफट खबरों से। पंचकुला सेक्टर 19 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से ट्यूबवेल का भूमि पूजन भी किया, जिसमें 66 लाख रुपए की लागत लगी। वही पंचकुला सेक्टर 19 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अनेक सुविधाओं से लैस महाराणा प्रताप पार्क में सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों की सुरक्षा के लिए सेक्टर 19 में ग्रेटर्स लगाने के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल की चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कर्मचारी प्रकोष्ठ और शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। केथल विधायक के बाद अब पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन ने डीसी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन और पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन ने पुंडरी में एकता रैली को भी संबोधित किया। विधायक रणधीर गोलन ने कहा है कि केथल में के अधिकारी बेलगाम हो गए, लगातार विधायकों की अनदेखी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विधायक रणधीर ने कहा है कि शिकायत के बाद भी डीसी कार्रवाई नहीं करते हैं। खराब गेहूं की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए विधायक ने डीसी के 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। मंच से भी विधायक ने कहा कि गेहूं की क्वालिटी पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। फूड सप्लाई विभाग गरीबों का मजाक उड़ा रहा है, यह अनाज खुद डीसी खाकर देखे। विधायक रणधीर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से करोड़ रुपए की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। पुंडरी में सीवरेज और पेयजल व्यवस्था प्रणाली को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया। इसके साथ ही खेतों में जाने वाले रास्तों को पक्का करने का काम भी किया जाएगा। विधायक रंदिक मुख्यमंत्री से गांव मुनहेराड़ी में आईटीआई और पाई गांव में सरकारी कॉलेज खोलने की भी मांग की है। पुंडरी को सब डिवीजन बनाने का प्रयास भी जारी है। साथ ही विधायक रणधीर गोलन ने विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार भी जताया। चरखी दादरी में डीएपी खाद पर मारामारी जारी है, जहां पुरुष और महिलाएं खाद के टोकन के लिए सदर थाना पहुंचे। वही सदर थाना में पुरुष और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी, जिसमें किसानों का काफी वक्त खराब हुआ। चरखी दादरी में सरसों का रकबा ज्यादा है। प्रशासन की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि सभी को खाद मिलेगा, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। शाह ने गांधरबाल में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में दर्शन के दौरान अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का 3रा दिन है। अमित शाह आज पुलवामा के लेथपोरा में पुष्पांजलि समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह ने रविवार को जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया और भारतीय सीमा की रखवाली करने वाले जवानों की वीरता भी देखी। अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से कहा है कि वे बेफिक्र होकर देश की रक्षा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवार का ख्याल रखेंगी। अमित शाह ने मखवाला का भी दौरा कर और निवासियों से कहा है कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों में हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में आतंक का वार लगातार जारी है। आज भी पूंछ के भाटादूरिया इलाके में फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हो रही है। यहां अभी भी आतंकी छिपे हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 पुलिसकर्मी और सेना का 1 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में तलाशी अभियान चला रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकी बढ़ती वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को तलाश कर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुंछ जिले में रविवार सुबह एक जंगल में सेना और पुलिस संयुक्त तलाशी अभियान चल रही थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ताजा बर्फबारी और बारिश के साथ देश में ठंडक बढ़नी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी है।
आगामी दो दिनों में ज्यादातर राज्यों का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर जाएगा, जो अगले 3 महीने इससे ऊपर नहीं जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की सीमा रेखा अब 15 डिग्री उत्तर के बल की करीब पहुंच चुकी है। इससे बंगाल की खाड़ी में हवाएं तेज से बदल रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के चलते हिमाचल शीतलहर की चपेट में, ठंड लगने से मुंबई और गोवा में 3 पर्यटकों की मौत हो गई। भारी बर्फबारी की वजह से 67 हाईवे बंद हो गए हैं। लाहौर स्पीति में सबसे ज्यादा 56 हाईवे बंद हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गोंदला में 24 घंटे में सर्वाधिक 18 सेमी बर्फबारी हुई है। रोहतांग दौर में 3 फीट तक बर्फ जमा हुआ है। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 152 रन का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तूफानी अर्धशतकों की बदौलत 17.5 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। पहली बार भारत को ICC T20 विश्व कप में हार मिली है। T20 विश्व कप के 2007 में शुरुआत होने पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था। आजमैन 52 गेंद में नाबाद 68 रन की पारी खेली और रिजवान ने 55 गेंद में 79 रन की पारी खेली। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार टैक्स को कम किया जाना चाहिए। देश में कोरोना का आंकड़ा एक दिन में 14,597 पहुंचा है। 442 मरीजों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 1,61,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 8,538 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 49,15,000 के पार। एक्टिव केस 77,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,127 मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,95,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 400 से ज्यादा नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। ओडिशा में कोरोना के 447 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,38,000 के पार। 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। असम में कोरोना के 139 नए केस सामने आए। 6,08,000 से ज्यादा संक्रमित। एक्टिव केस 2,510। हिमाचल में कोरोना के 3 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,747। मिजोरम में कोरोना के 572 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,000 के पार। 1,016 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 16 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार। एक्टिव केस 127। सोनीपत की नई अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान खोले में पड़ा हुआ है। अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों का फसल खराब हो चुका है। बेमौसम बारिश के चलते खुले में रखा हुआ अनाज भीगता रहा और मंडी में त्रिपाल की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। मंडी में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। कुछ ही डेहरियों पर त्रिपाल रखे गए थे, लेकिन ज्यादातर धान की डेहरियां लगाकर पानी बह रहा था। मंडी में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि खुले में रखी हुई सभी डेहरियां किसानों की ओर से अभी तक उनकी खरीद नहीं हुई है। खरीद होने के बाद बोरियों में भर दिया जाता है। सोनीपत में आफत बनकर बरस रही है बारिश। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब। धान कपास गन्ने समेत कई फसलें पहले से खराब हो चुकी है। बची हुई धान की फसल भी खराब हो चुकी है। सब्जी की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। इलाहाबाद उपचुनाव के प्रचार के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस के स्टार प्रचारक जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील की। बॉक्सर विजेंद्र ने गांव जमाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विजेंद्र ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। विजेंद्र ने कहा कि जब दोबारा चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव कांग्रेस ही। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में भी बदलाव होगा।
सोनीपत में शराब के गोदाम पर बड़े शराब कारोबारी की तलाश में गुजरात पुलिस टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। शराब कारोबारियों ने सोनीपत से गुजरात में तकरीबन 60 लाख की अवैध शराब की तस्करी की है और इसी को लेकर गुजरात से स्पेशल टीम सोनीपत पहुंची। शराब कारोबारी के गोदाम पर ना होने के चलते पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। गुजरात पुलिस टीम के साथ सोनीपत सदर थाना पुलिस भी मौजूद है। पुलिस की टीम ने खरगोदा थाना क्षेत्र के कारोबारी के गांव में भी छापेमार किए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। सोनीपत समेत कुंडली बॉर्डर पर भी आरोपी बड़े गोदाम जहां से महंगे ब्रांड की शराब दिल्ली समेत बाकी कई राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई की जाती है। पूरे मामले में अभी पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। रोहतक के कसरंटी गांव के पास स्कूल वैन और स्कूल बस में टक्कर हो गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक कार ट्रक से टकरा गई है। हादसे में कार सवार एक नाबालिग की मौत हो गई। हादसे में घायल शख्स को पीजीआई के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी। सोनीपत एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोप में धर्मेंद्र उर्फ शास्त्री को पलवल से गिरफ्तार किया। आरोपी इन दिनों धर्म परिवर्तन करा के बिहार की मुस्लिम महिला से शादी कर बिहार में रह रहा था। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। झाकल बस अड्डा के पास पंजाब बैरियर पर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान एक बाइक सवार युवकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने इस दौरान दो युवकों को काबू कर उनसे पूछताछ जारी की। चरखी दादरी पुलिस स्मृति सप्ताह दिवस पर बलिदान स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ शहर के नागरिक भी शामिल हुए। वही मुख्य अतिथि के तौर पर डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह, सिटी एसएचओ और निरीक्षक दलवीर सिंह उपस्थित थे। डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने मैराथन दौड़ को रवाना किया। पुरस्कार जीतने वाले साहिल ने कहा है कि मुझे अच्छा लगा कि पुलिस स्मृति सप्ताह का आयोजन में हमने हिस्सा लिया। टोहाना में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत डीएसपी बीरम सिंह ने इंद्रछोई गांव में पहुंचकर शहीद महेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। डीएसपी बीरम सिंह ने शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित करते हुए शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। शहीद के भाई दलवीर सिंह ने बताया है कि सरकार की तरफ से शहीदों को सम्मान देने के लिए शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है, उससे उनके परिवार को मान सम्मान मिलता है। रेवाड़ी के ब्रस मार्केट स्थित लाल अल्ट्रासाउंड सेंटर में गुरुग्राम में पीएनडीए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। टीम ने इस दौरान सेंटर की मशीन को भी सील किया। इस रेड के बाद से देर रात तक हंगामा चलता रहा। पूरे शहर के डॉक्टर ब्रस मार्केट में पहुंच गए। रेड करने वाली टीम की कार्रवाई के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंच गई। आईएमए के डॉक्टर ने कार्रवाई को गलत बताते हुए जबरदस्त विरोध किया है, तो डॉक्टर को जिप्सी से नीचे उतारा गया। रात 12 बजे तक डॉक्टर मौके पर ही डटे रहे। वही हंगामे की सूचना के बाद इरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी अस्पताल पहुंच गए और एसपी और डीएसपी से बात की। हालांकि देर रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जिंद के बाराखेड़े गांव में बरसाती पानी की निकासी की समस्या हल करने गए प्रशासनिक अमले की बुआना गांव के ग्रामीणों से झड़प हो गई। इस झड़प में दो अधिकारियों को चोटें आई है। मामला उस समय भड़का जब ड्रेनेज खोलने का विरोध कर रहे एक किसान ने एक पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। तो शाम के मेन चौक में ज्वेलर्स की दुकान पर चार हथियारबंद लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और 7 से 8 लाख की जेवरात लेकर फरार हुए। वही दुकानदारों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की है। इस दौरान लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से घायल को हिसार के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। पानीपत के गांव छाजपुर संदिग्ध परिस्थितियों में एक 24 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है कि बीते रात करीब 9 बजे दो युवक स्कूटी पर उन्हें घर छोड़कर भाग गए। उन्हें अनुज को देखा तो अनुज मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।
वहीं अनुज के परिजनों ने बताया है कि अनुज के फोन से एक ऑडियो मिला है जिसमें वह अपने कजन भाई से फोन पर बातचीत कर रहा है और किसी मुकेश नाम के शख्स के साथ झगड़े होने की बात कह रहा है। आपको बता दें कि उस फोन कॉल की करीब आधे घंटे बाद अनुज की मौत की सूचना उन्हें मिली है। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मौसम विभाग ने प्रदेश में दो दिन की बारिश की संभावना जताई है। बेमौसम बारिश से पहले किसानों के खेत में पानी भर चुका और ऐसे में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में पानी को खुद ही निकाल रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। पानी निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से वे कई बार गुहार लगा चुके हैं। किसानों का मानना है कि पानी समय पर नहीं निकला तो धान की फसल खराब हो सकती है। जिंद पुलिस की साइबर अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। काबू किए गए आरोपियों के कब्जे से 1,39,000 रुपये, 14 मोबाइल और 22 सिम कार्ड और 11 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। किरण गोस्वामी के बॉडीगार्ड रहे प्रभारक सेल ने बताया है कि गोस्वामी ने आर्यन खान के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।